रात भर सोए नहीं है क्योंकि आज एक टारगेट रखा था, ये हाइड्रो माइनर फाइनली चलाना है फॉर सोलो, मार्केट इज गोइंग क्रेजी सो व्हाई नॉट। तो आप देख सकते हो वेदर डूइंग द कनेक्शन, ये थ्री फेज कनेक्शन है, कोई भी आपको हाइड्रो माइनर का कनेक्शन करना हो तो आपको थ्री फेज में देना पड़ेगा। तो तीन फेज रहेगा और एक आपका न्यूट्रल अर्थ रहेगा और अर्थिंग कारक से वायर भी आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, थर्मोनिकली डिफरेंट रहता है राइट। तो अभी ये शेल्फ फाइनली खाली हुई है, समझ नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, तो वी विल जस्ट बी पुटिंग द वॉट्स माइनर हाइड्रो 242 टेरा। अगर आप देखोगे तो हाइड्रो माइनर जो आते हैं वॉट्स माइनर के, तो उसमें ऐसा ही केबल रहता है, इट्स नॉट वेरी ट्रेडिशनल C13 टाइप ऑफ केबल, डिफरेंट केबल राइट। तो इसमें तीनों फेस आ रहे हैं और एक अपना अर्थ भी आ रहा है ओके। तो इसकी लेंथ बहुत कम रहेगी, जस्ट इतनी रहेगी ओके, दोनों साइड रहेगा। तो वी हैव जस्ट एक्सपेंडेड इट, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, ये जस्ट अटैच और इसको यहाँ पे लेंथ बढ़ा दी है ताकि थोड़ा पोर्टेबल रह जाए, थोड़ा ये अपने को मोबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पे लग रहे हैं तीनों फेस और अर्थ, सॉरी अभी हम तीनों फेस और न्यूट्रल कर रहे हैं ओके। तो अभी इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ, तो जस्ट इंसुलेटेड फॉर द ओके। सो ये कनेक्शन हो गए हैं थ्री फेस के अभी, एंड इवन दिस इज बेटर इंसुलेटेड नाउ, ऑल्दो कलर कोडिंग को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, ऑलवेज डू कलर कोडिंग बट आई एम टू टायर्ड फॉर दैट राइट नाउ। इसको मैं ऑल्दो फ्यूचर मॉडिफाई कर दूंगा, तो ऑलवेज यूज रेड टेप फॉर आर फेस, वाई टेप फॉर येलो टेप फॉर वाई और वैसे सब, आई एम जस्ट यूज इन ब्लैक फॉर नाउ। अब ये वाला पावर केबल जाएगा हाइड्रो में, is a pneumatic adapter right? Yeah. तो आगे से थोड़ा पकड़ लेना, ऑल द टाइम एंड देन जस्ट लॉक इट। देयर इज अ ट्रिक ऑफ द ट्रेड, जल्दी से आपको टेस्टिंग करनी है, क्लैंप्स नहीं लगाने हैं, सो जस्ट यूज द प्राइज क्लैंप्स हैं आपके पास? या या वी हैव क्लैंप्स बट नॉट नेसेसरी एट दिस टाइम ओके। सो सेटिंग्स आर ऑल डन, पावर केबल लग गया है, इंटरनेट पीछे से, इनलेट आउटलेट पाइप्स एंड यू नो दिस 12 किलोवाट रेडिएटर थैंक्स टू लायन ली। यहाँ पे अभी क्लैंप्स की जगह जस्ट बिकॉज वी आर टेस्टिंग फर्स्ट, वी आर यूजिंग ज़िपटैक परमानेंट में, विल बी यूजिंग क्लैंप्स ओके। तो ऑलवेज यूज क्लैंप्स ताकि निकल ना जाए कोई पाइप चलते चलते, एंड जस्ट सीधा इनलेट आउटलेट कनेक्शन। Hey guys, welcome to Nexton Mining India. काफी लोगों को लग रहा होगा यार ये कौन सा नेटवर्क स्विच लगा दिया, इतना पतला सा थोड़ा भारी नेटवर्क स्विच लग रहा है। ये कोई नेटवर्क स्विच नहीं है, ये एक बिटकॉइन माइनर है जो वॉट्स माइनर ने बनाया। तो नॉर्मली ऐसे दिखते हैं ये, दीज आर नॉट कम्प्लाइंग विद योर ट्रेडिशनल डिजाइन जो अपने दिमाग में फिट हो चुका है, रेक्टेंगल बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, वैसे नहीं है, ये भी ऑल द रेक्टेंगल ही है पर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। मेरे को जब ये आए थे मुझे लगा यार ये क्या है इतना पतला सा लंबा सा, बट अगर आप देखो तो इसका जो वेट है ऑलमोस्ट आई वुड से क्लोज टू 2 S19 का वेट रहेगा इस एक माइनर में, काफी हैवी है, सॉलिड बिल्ड है। तो बाय नॉट वी डू अ टेस्ट, तो अपन देखते हैं कि वॉट्समैन के हाइड्रो कितने रिलायबल हैं, कितना कैसी बिल्ड क्वालिटी है एंड एवरीथिंग। सो दिस अनदर वॉट्स माइनर हाइड्रो, बिटकॉइन माइनर्स होते हैं ये, हाइड्रो में सारे बिटकॉइन माइनर्स ही आते हैं। सो दिस द डिजाइन वाइज इट्स अमेजिंग, हैवी है, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि इन लोगों ने हैंडल दे रखे हैं राइट। तो अगर आप कभी सर्वर रैक जो आपने देखा होगा मूवीज में कि एक सर्वर रैक लगे हैं, बहुत सारे आईटी रूम जो कहते हैं वहाँ पे सर्वर रैक लगे हुए रहते हैं ट्रेडिशनल, उसमें भी फिट हो सकता है, यू कैन जस्ट स्क्रू इट अप। तो काफी इसमें एक कमर्शियल साइड देखने को मिली मेरे को, विच आई लाइक डेट, हैंडल्स आर नाइस, या यहाँ पे इसका कंट्रोल बोर्ड रहेगा,
और ये वही यू नो थ्री फेज का पावर इनपुट, तो एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। ये तो अपन लोगों को लगने लग गया है कि ये रेडिएटर और ये कॉम्बो ये चाहिए रहता है अपने को हाइड्रो चलाने के लिए, बट जो एक्चुअल साइड है ये माइनर कभी भी बने नहीं थे टू बी रन इन डोमेस्टिक पर्पस, इसलिए कभी भी कंपनी ने खुद के रेडिएटर लॉन्च नहीं करे। कंपनी ने हमेशा खुद के कंटेनर्स लॉन्च करे, हाइड्रो कंटेनर्स, हाइड्रो कैबिनेट्स एंड एवरीथिंग। या अफिलिएशन में वॉट्समैन के हमने वाटर कैबिनेट देखे थे जिसमें आप 8 पीस 20 पीस ये वॉट्समैन के हाइड्रो पे लगा सकते हैं कनेक्टेड टू अ वाटर टावर, ठीक है। तो दिस वॉज अ इंटरनेशनल जुगाड़, तो अब कहीं ना कहीं मैसिवली अडाप्ट भी हो चुका है, तो इसको भी हमको टेस्ट करना था कि यार ये वॉट्समैन हाइड्रो में कितना स्टेबल चलता है और क्या इसमें और बिटमेन में कोई डिफरेंस है सही में, या कौन सा सुपीरियर है। तो लेट्स सी। तो इन आवर एक्सपीरियंस दिस 12 किलोवाट रेडिएटर इज वर्किंग परफेक्टली विद द वॉट्समैन हाइड्रो, ठीक है। तो ये जो 12 किलोवाट का रेडिएटर है आराम से चल रहा है, अभी तो हम इसको 75% फैन स्पीड में चल रहे हैं। यहाँ से आप इसकी फैन स्पीड चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एक नॉब रहेगा वहां से आप चेंज कर सकते हो, तो ये जो लाइट्स है वो इंडिकेट करेंगे कितनी फैन स्पीड में चल रहा है आपका रेडिएटर, ये सारे जो फैन है, राइट। साउंड की बात करूं तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, तो मैं मेरे हिसाब से दिस इज लाइक 20-30 डेसिबल की साउंड, दैट्स इट। अगर आप इसको चाहो तो इसको फुल स्पीड में भी कर सकते हो फैंस को, तो योर माइनर विल रन इवन सुपर कूल, राइट। इसकी हैश रेट नॉर्मली 242 टेराहर्ट्ज़ का माइनर है ये, बट जब मैं अभी चेक कर रहा था इसके डैशबोर्ड पे तो इट वॉज गिविंग रफली 248-250। अब वो तो लॉन्ग टर्म टेस्टिंग में पता चलेगा कि एवरेज कितना आ रहा है, बट इट्स डेफिनेटली गिविंग मोर देन व्हाट दे सेड। अगर उससे कम आता तो अपने को बुरा लगता है कि यार अपने 242 का पे करा है एंड वी आर गेटिंग 210 या 220, बट दिस गिविंग लिटिल मोर देन 242, सो वी आर हैप्पी। इसमें इन जितने माइनर है वॉट्समैन के इनमें एक और मोड आता है, सो यू कैन इवन ओवरक्लॉक देम, तो इन वालों को आप जस्ट के 240 टेराहर्ट्ज़ है तो यू कैन ओवरक्लॉक टू 280 टेराहर्ट्ज़। पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पावर कंजम्पशन की बात करें तो वॉट्समैन के हाइड्रो थोड़ा सा ज्यादा पावर कंजम्पशन लेते हैं जो ये वाली सीरीज जो हमने टेस्ट करा है कंपेयर टू द S19 हाइड्रो, ओके। और यस, एक और चीज जो अच्छी लगी मुझे कि इनका जो एक टेम्परेचर रेंज है वो 5% रफली 5 डिग्री ज्यादा है बिटमेन से। तो अगर बिटमेन का कट ऑफ टेम्परेचर एग्जाम्पल दे रहा हूँ 40 डिग्री है, तो इनका 45-50 तक भी दे कैन वेयर। तो दिस इज वन एडवांटेज। एक डिसएडवांटेज ये है कि इतना बड़ा है कि आपको एक स्पेशल जगह चाहिए इसको रखने के लिए, उठाने के लिए, टू मूव इट, इट्स नॉट वेरी मोबाइल, राइट। तो अगर आप S19 के माइनर देखोगे हाइड्रो के, तो आप उसको आराम से एक बंदा उठा के कहीं भी रख सकता है, मूव कर सकता है, उसके लिए छोटा रैक चाहिए। इसको उठाने के लिए 2 लोग चाहिए, अगर आप चाहो तो एक भी उठा सकते हो बट इंश्योरेंस ले लेना, राइट। तो ये दिस इज वन थिंग कि एक बार कहीं इसकी एक फाइनल लोकेशन ढूंढो फिर वहीं रख दो, डोंट बी इन दैट सिचुएशन कि मैं इसको कभी यहाँ रख दूँ कभी वहां रख दूँ, इट्स टू हैवी इसको मूव करना। अदरवाइज देखा जाए तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है यार, इनलेट वाटर आउटलेट वाटर, तो अगर आप यहाँ आके देखोगे तो इसमें ये रहता है, तो यहाँ पर इनलेट वाटर जा रहा है, ठंडा पानी जा रहा है, वहां से गर्म पानी निकल के आ रहा है, तो ये वाला पाइप गर्म है, ये इतना गर्म है, ऑल दो इसमें ऑमलेट तो नहीं बना सकते बट काफी गर्म है, राइट, डिफरेंस आपको दिख जाएगा, ये कंपेरेटिवली काफी ठंडा है, ओके। एक और चीज ये रहती है कि आप जब भी इसके रेडिएटर मंगवाते हो, अगर आप कहीं से भी ले रहे हो, राइट, अगर आप ये रेडिएटर मंगवा रहे हो तो रेडिएटर में 2 ऑप्शन आता है आपके पास, सप्लायर आपसे पूछेगा, राइट, कि आपको किस पे चलाना है, बिटमेन के माइनर में चलाना है, वॉट्समैन के माइनर पे चलाना है, तो इनका डिफरेंट न्यूमेटिक अडाप्टर आते हैं जिससे आप पाइप को माइनर में कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ऑलवेज बी श्योर, आप कहीं से अगर और से भी ले रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आपने रेडिएटर मंगवा दिया बट वो न्यूमेटिक अडाप्टर भी साथ में मंगवा लो, दैट इज वन मेन थिंग। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई दिया था कि हमने ये कैसे एक्सटेंड कर दिया ये केबल को ताकि लेंथ और बढ़ जाए। ये जो माइनर है ये 3 फेज माइनर है, तो ये आपके सिंगल फेज में नहीं चलने वाला, डोंट गो बाय ऑल द ड्रामा की VFD है किसे चल जाएगा, आई डोंट थिंक सो चलना चाहिए, इसको नॉर्मल आप 3 फेज में चलाओ। ये जो रेडिएटर है सिंगल फेज रहता है, इसको आप कोई भी नॉर्मल प्लग में भी लगा सकते हो, तो दिस इज सिंगल फेज रेडिएटर, सिंगल फेज है उसका, ये मोटर पंप सब एवरीथिंग सिंगल फेज, दिस इज 3 फेज, राइट। तो दिस इज बेसिक ओवरव्यू कि यार वॉट्समैन के हाइड्रो में क्या एक्सपीरियंस रहा है, स्टेबल चल रहा है, जब से भी ऑन है स्टेबल चल रहा है, इट्स नॉट गिविंग एनी इश्यूज, साउंड भी काफी नॉर्मल है। तो आई वुड से कि अगर आप एक कमर्शियल साइड में जा रहे हो हाइड्रो की, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर वॉट्समैन हाइड्रो। अगर आप देखो तो इसमें एक और बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पास जगह कम है, राइट, तो आप इसमें एक सर्वर रैक लो, उसमें ऐसे 10-20 भी लगा दोगे, राइट, तो एक ही रैक में आपके सारे हाइड्रो आ जाएंगे, यू कैन लिटरली पुट फ्यू पेटा हैश इन वन सर्वर रैक। तो उस एंगल से अगर देखें तो दिस इज बेस्ट, राइट, बट हैवी है थोड़ा,
मोबाइल नहीं है ज्यादा, आप इसको इधर उधर नहीं घुमा सकते, अदरवाइज टेम्परेचर एवरीथिंग इज परफेक्ट, काफी इसमें थ्रेशोल्ड अच्छा है टेम्परेचर का, एंड दिस इज रनिंग प्रीटी कूल राइट नाउ. तो यू नो इसका देखते हैं जब तक ये चल रहा है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बस ये दिखाना था कि यार ये वॉचमैन में हमारा एक्सपीरियंस कैसा है. थोड़े बहुत मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने थोड़ी क्लिप्स भी डाली हैं कि हम जब इसको अटैच कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ. आज डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा वापस थोड़े जीपीयू ऑन करने का. प्रॉफिट थोड़ा डिसेंट लग रहा है हर रिग से, रफली अगर मैं जब कैलकुलेट कर रहा था तो विद एवरी रिग इट्स मेकिंग क्लोज टू S1990 टेरा हैश. तो जीपीयू माइनिंग में भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो अगर आपके पास ऑलरेडी जीपीयूज हैं. Right, so let me get back to it. मैं भी थोड़ा बहुत माइनिंग कर लूं, आप लोग भी करते रहो. That's it for this video, guys. Short video है. Comment करो आपको ये video कैसा लगा. और एक और चीज comment करो कि next video में हम क्या कर सकते हैं. आप लोग recommend करो and we'll do it. That's it for this video, guys. Take care, everyone. All the best.